हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ अ थिंक ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया, जो कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब आपको तीन जो है आपके इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडियाज़, उसमें से ये एक है, और तीनों में से कोई ना कोई तो आपके मतलब जो भी आपका सेट होगा तो उसमें फंसेगा ही फंसेगा। तो अ थिंक ऑफ ब्यूटी भी समझ लेते हैं। इसके पहले मैंने आपको कीपिंग क्वाइट और माई मदर एट 66 का भी दे दिया है, ऑलरेडी समझा है। आपको कोई चीज अगर ना समझ में आई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम चलेंगे, शुरू करेंगे अ थिंक ऑफ ब्यूटी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अ थिंक ऑफ ब्यूटी सेंट्रल आइडिया। सो चलिए शुरू करते हैं, और जैसा कि मैं आपको हमेशा ही सबसे पहले जो भी हमारा हेडिंग होता है उसका मीनिंग बताती हूँ। तो यहाँ पे अ थिंक ऑफ ब्यूटी, ठीक है। अ थिंक ऑफ ब्यूटी का मतलब होता है अ थिंक, थिंक मतलब कोई वस्तु, कोई चीज़, उसकी सुंदरता, ठीक है। तो किसी चीज़ की सुंदरता, किसी वस्तु की सुंदरता, ऐसा कह सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये वाला लाइन जो हमेशा मैं बोलती हूँ कि आपको लिखना होता है सेंट्रल आइडिया में, द पोयम, यहाँ पे पोयम का नाम इज कंपोज्ड बाय, जो भी उसके पोएट होते हैं उनका नाम यहाँ पे लिखना है। तो द पोयम अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय जॉन किट्स। आप चाहे तो यहाँ पे ब्लैक पेन से इसको और इसको हाईलाइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, रेड आपको यूज नहीं करना है, मैंने किया है। द पोएट सेज अ थिंक ऑफ ब्यूटी टेल्स, हमारे पोएट जो हैं वो जॉन किट्स, वो क्या कहना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि अ थिंक ऑफ ब्यूटी टेल्स कि किसी चीज़ की सुंदरता जो है वो हमें कहती है, दैट द ब्यूटीफुल थिंग्स आर द सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस। वो क्या कहती है हमसे, कहती है कि जो सुंदर चीज़ें होती हैं, द ब्यूटीफुल थिंग्स जो होते हैं, वो सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, मतलब वो सोर्स होते हैं बहुत ज़्यादा खुशी के और मतलब उत्साह के, ऐसा कह सकते हैं। मतलब टोटल कहने का मीनिंग इनका ये है कि पोएट हमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी सुंदर चीज़ें, जैसे प्राकृतिक चीज़ें जो बहुत सुंदर होती है देखने में, हम जब जैसे कहते हैं ना कि कोई बीमार होता है तो डॉक्टर उनको बोलता है कि अरे इनको हिल स्टेशन पे लेके जाओ, या किसी मतलब शांत जगह पे जहाँ पे नेचर है वो, वहाँ पे लेके जाओ। क्यों कहा जाता है, इसलिए क्योंकि हमें वहाँ जाकर एक आंतरिक खुशी महसूस होती है। जब बहुत चारों तरफ हरियाली होती है या फिर बहुत सारा मतलब ये सब चीज़ें देख के, नेचर की जो ब्यूटी जो होती है उसको देख के हमें अंदर से हैप्पीनेस महसूस होती है। सभी लोग आजकल भाग भाग के जाते हैं ऐसी जगहों पर समय बिताने के लिए, पहाड़ों में, स्टेशन वगैरह वगैरह सब जगह पे। तो वो क्यों जाते हैं, वो इसीलिए जाते हैं, खुशी के लिए जाते हैं। तो वो क्या होती है, सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, मतलब का सोर्स होती है, ठीक है। ब्यूटीफुल थिंग्स आर द सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, ये वाला लाइन आपको याद हो गया। द पोएट सेज अ थिंक ऑफ ब्यूटी, यहां पे आपको नाम लिखना है, टेल्स कहती है दैट द की ब्यूटीफुल थिंग्स आर द सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, ठीक है, ये वाला लाइन आपका हो जाएगा। फिर थिंग्स ऑफ ब्यूटी नेवर एंड, मतलब चीज़ों की जो सुंदरता होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती है, देयर फॉर ब्यूटीफुल थिंग्स आर वर्थ ट्रेजरिंग, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, मतलब एक खजाना, ट्रेजरिंग मतलब क्या होता है, खजाना होता है। तो जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती है ना वो क्या होती है, खजाना होती है, जो कभी ना खत्म हो, वैसा वाला खजाना, ठीक है। विथ द पासिंग ऑफ टाइम, और जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है, पास मतलब जाता पीछे चला जाता है, हम आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, द स्वीट रिकलेक्शन ऑफ ब्यूटी, मतलब उनके जो सुंदरता का जो कलेक्शन, रिकलेक्शन जो होता है, वो बिकम मोर जॉयफुल, वो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। जैसे कोई जगह, मतलब जैसे मनाली, मसूरी, जितनी भी चीज़ें जगहें हैं वो अब और खूबसूरत होती जा रही है। जैसे पेड़ पौधे हैं, कहीं छोटे हैं वो धीरे धीरे बड़े होंगे, वहाँ और बड़ा होगा, ज़्यादा हरियाली छाएगी, वो और सुंदर लगेगा, मतलब ये कभी एंड नहीं होता है। इनकी जो ब्यूटी होती है वो बिकम मोर जॉयफुल, मतलब पासिंग ऑफ टाइम, विद द पासिंग ऑफ टाइम, विद द पासिंग ऑफ टाइम क्या होता है, द स्वीट रिकलेक्शन ऑफ ब्यूटी बिकम मोर जॉयफुल, क्रिएशंस ऑफ गॉड प्रोवाइड एनर्जी एंड हैप्पीनेस। जो भी गॉड के क्रिएशंस है, मतलब ये सारी चीज़ें जो हमारा नेचर है, जो हमारी प्रकृति है, ये क्या है, ये प्रोवाइड करती हैं हमें क्या, एनर्जी एंड हैप्पीनेस, ठीक है, खुशी और ऊर्जा, एक मतलब हैप्पी वाला ऊर्जा कहते हैं ना, कि पॉजिटिव एनर्जी वो प्रोवाइड करती हैं। थिंग्स अराउंड अस मेक्स अस फील हैप्पी, जो आसपास की हमारी चीज़ें हैं वो हमें हमेशा खुश रखती हैं। तो ये हो गया अ थिंक ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो, पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।